महाराज मौन कहाँ रहे, कोई जगह है आप बता दीजिए मौन किस रहे। उस पाठिका में लक्ष्मण जी महाराज मौन रहे। करल बद कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मगरन छवि करई मधु की उपान। भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण छोटे भाई से कह रहे था, जनक कन्या ने सोई धनुष जंग जे कारण होई, जात बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोभा। सारी बातें लक्ष्मण जी महाराज से वो बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में एक बात भी बोले क्या? बोले वो तो बता दीजिए। जो इतना बोलने वाला है वो एक बात पुष्प वाटिका में नहीं बोला, इसका तात्पर्य क्या है? और जो इतना बोलने वाला है वो एक जगह और नहीं बोला। बोले जहां पर भगवान हमारे भैया रस में डूबे हुए हैं, करत बद कही अनुज सन, ये भगवान का जो भक्त होगा, जो अशरीरी प्रेम करता होगा, जो भक्ति के अशरीरी ज्ञान को समझता होगा वो समझ पाएगा। बोले मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु पे एक पान, भौरी इतने भगवान का जब मन हो गया और श्री सीता जी के मुख कमल का रसास्वादन मकरंद के रूप में वो ले रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा यदि कहीं मैं इस समय बोल दिया तो भगवान की इस भाव की संपूर्ति में बाधा आ जाएगी। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है और कितना बोलना है। दूसरा प्रमाण देखिए, जब इतनी जगह बोले, जनक जी को भी फटकार दिया, परशुराम जी को भी कुछ बोल दिया, यहां तक कि लक्ष्मण जी ने भैया श्री राम को भी समुद्र के किनारे जब उन्होंने कहा कि भाई जो विभीषण कह रहे हैं हम वही एक बार करके देते हैं, और जब वो समुद्र की ओर जाने लगे तो उन्होंने कागज मन का एक अधारा। लक्ष्मण जी भगवान राम से कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कितने बातें करते हैं, अरे सब बोलने वाले सीता जी के लिए नहीं बोले और सीता जी के लिए बोले। सीता जी कष्ट में है लंका में, तो वहां पर श्री राम को कायर बता देने में उनको तरीके से संकोच नहीं हुआ। और जब सीता जी के मुख सरोज का वो मकरंद की तरह आनंद ले रहे हैं तो लक्ष्मण जी ना बोले नहीं अपना मौन लगाए रहे। कादर मन का एक धारा देख देव आलसी पुकारा, क्या आप कायरों की इतने बातें करते हैं, ये भगवान राम से कह दिया और ऐसे पात्र से क्या आप कल्पना कर सकते हैं। जब कैकेयी जी ने उनको वनवास दिया तो सबसे ज्यादा फटकारने की आशा तो आप लक्ष्मण जी से करेंगे ना, ये कैकेयी जी को सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी ने फटकारा होगा। लेकिन विचित्र बात है, आप समझ रहे हैं लक्ष्मण जी ने फटकारा होगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने तो एक बार भी नहीं फटकारा, एक बात नहीं बोला। आपके मन में ये बात नहीं आती कि लक्ष्मण जी महाराज ने क्यों नहीं फटकारा? भरत जी महाराज ने बहुत फटकारा। भरत जी ने कैकेयी जी को कौन कौन से शब्द नहीं किए, अरे भर मागत मन भई नहीं पीरा, गंग जी मोह परो न पीरा, अरे भूप प्रती तो मरण काल विधि मत हर ली, अरे मेरा जन्म होते ही तूने मुझे मार्ग नहीं दिया, तूने जब 14 वर्ष का वनवास कहा तो तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। ये भरत जी जैसा संत कह रहा है जिसकी एक एक वाणी जो है वो ऐसी है, अर्थ अमित अरुण आखर थोड़े, एक थोड़े से अक्षर बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अनंत होता है। भरत जी डांट रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज, एक बाप में नहीं डांटा उन्होंने कैकेयी जी को, बस उसी भूल से जोड़ लीजिए, बस उसी भूल से। सजल मूल जिन सर कर नाही, बरत गए पुनि तब ही सुखाई, जिम सरता सागर मा जाई, जल तबताई कामना नाही, और अस कई लगे जब हरि नाम। पर जब तक वो परीक्षा लेंगी तब तक मैं भगवान में जुड़ जाऊंगी। लक्ष्मण जी यहां पर क्यों नहीं बोले कैकेयी जी के विरोध में,
लक्ष्मण जी इसलिए नहीं बोले, अगर वो सत्ता को, अगर वो कुर्सी को, अगर वो अयोध्या सोने की अयोध्या को, अगर वो माता पिता को, अपने भाई के संबंधों को अगर सब कुछ मानते होते, उसके प्रति उनकी आसक्ति होती, तो छूट जाने पर प्रतिकार कोई भी व्यक्ति करता है, और छूट जाने के पश्चात जो प्रतिकार नहीं करता है वो भगवान का भक्त होता है। उसका कारण क्या है? प्रतिकार उन्होंने क्यों नहीं किया? प्रतिकार इसलिए नहीं किया, बोले राम की हमसे छूटते हैं तब हम प्रतिकार करते हैं, जिसको सब चाहते हैं वो हमें अकेले मिल गया है, तो कैकेयी जी के तो हम कृतज्ञ हैं कि उनकी कृपा से हमें उनकी सेवा का अवसर मिल गया, और जिसकी कृपा से हमें उनकी सेवा का अवसर मिला, और अगर हम उसके ऊपर नाराज हों, इसका तात्पर्य है हमें अयोध्या से प्रति प्रेम है, हमें सोने के प्रति प्रेम है, हमें चांदी और हीरे के प्रति प्रेम है, जो वस्तुएं छूट रही है, जिसको भगवान मिल गए होंगे वो निंदनीय की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि निंदनीय की निंदा करने में जितना समय हम खराब करते हैं, यदि हम उतना समय अपने विकास में लगा दें, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, जिसके लिए हमारे गुरुदेव ने हमें जन्म दिया है, या आपके गुरुदेव ने आपको दीक्षा दी, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों ने क्या किया इसकी चर्चा को ताक में रख करके ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जिस दिन ये देश ये सोचने लगेगा कि हमें क्या करना है, हम समझ लेंगे ज्ञानी लोग पैदा हो गए, ज्ञानी लोग देश में आ गए। हम एक जगह प्रवचन करने गए, छोटा सा बच्चा, 3-4-5 महीने का बच्चा, उसकी माँ ने हमें गोद में दे दिया, और बच्चों की आदत होती है जो चीज पास में हो उसको जोर से वो पकड़ लेते हैं, उस बच्चे ने हमारी माला पकड़ ली, जोर से जब माला पकड़ी तो हमारे मुंह से निकल गया ये बच्चा साधु होगा। तो उसकी मम्मी ने जिसने मुंह में गोद में दिया था, बड़े जोर से बोली, महाराज जी अपना शब्द वापस दीजिए, कहीं साधु ना हो जाए। हमने कहा अभी हमने बोला है, केवल हुआ कहा है, केवल बोले में इतना डर रही हूँ। फिर हमने उसको समझाया, हमने कहा महाराज को छोड़ देकर चिंता मत करो, माना नहीं पकड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ, साधु से प्रवचन सुनना चाहती हो, साधु को भोजन कराना चाहती हो, साधु के लिए गाड़ी भेजती नहीं, लेकिन बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहती। विचित्र बात है, हम अगर साधु को तो चाहते हैं लेकिन साधुओं को पैदा नहीं करना चाहते। जिस दिन हम साधुओं को पैदा करने की ताकत रखेंगे, जिस दिन हम साधुओं को अपने घर से निकालना शुरू कर देंगे, उस दिन पूरे संसार में साधुता आ जाएगी। साधुता केवल इसी नहीं आ रही है कि साधुओं से प्रवचन सुन लेंगे, लेकिन साधु हमारे घर में पैदा ना हो जाए। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक संस्मरण हमारे गुरुदेव सुनाते थे, निश्चित रूप से यहाँ हमारे लिए जरूर कहा होगा। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, किसी ग्रंथ के ऊपर वो नहीं बोलते थे, लेकिन सारे ग्रंथों का समर्थन उनके प्रवचनों में होता था, ना किसी से कटते थे ना किसी को काटते थे, उसी को कहते हैं पूर्ण। शरणानंद जी महाराज ने से किसी ने पूछा, सोचिए कैसे कैसे लोग संसार में मिलते हैं, इतने बड़े महापुरुष से पूछ रहे हैं, महाराज पहले जैसे संत होते थे आजकल वैसे संत नहीं मिलते हैं, कारण बताइए। तो स्वामी जी कोई गलत ढंग से तो कोई बोल नहीं सकते, डांट तो सकते नहीं, उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसका कारण ये है कि पहले जो संत होते थे वो आप लोगों जैसे समृद्ध लोगों के घर से निकलते थे, तो वो सब कुछ त्याग करके संत हो जाते थे। आजकल आप लोगों ने अपने घरों से संतों को निकलना बंद कर दिया है, तो हम जैसे नालायक ही संत हो गए। क्या बढ़िया बात स्वामी जी ने कही, जब आप संतों को पैदा नहीं करोगे तो संतत्व की साधुता की इच्छा क्यों कर रहे हो? संतत्व के लिए साधुता के लिए बहुत चौड़ा सुनने की आवश्यकता पड़ती है, और प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों में से निकलना पड़ता है।
जब तक प्रतिकूलता में केवल कोई व्यक्ति ये सोचे अनुकूल अनुकूल वातावरण मिलता रहे और हमारी भक्त भाव भादव नदी सभी चली गहराए, अरे सरिता भाई सराइए तो जेठ मास ठहराए। लक्ष्मण जी महाराज ने इतनी बड़ी प्रतिकूलता में भी एक अनुकूलता देखी, एक अनुकूलता देखी। क्या अनुकूलता देखी? कि जो हमारा प्रिय है वो तो हमें मिला है ना, वो ही ये हमारा प्रिय हमें मिल रहा है। ये रामचरितमानस में कहां से कहां कहां से आप पकड़ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्र का लिखा है, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सन जद्दति बन्धु स्नेही, तजो पिता कैलास विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत वृष बलिथन भे मुद मंगल कारी। और सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को दिव्य उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा, राम राज्य तब बनेगा जब कोई मां अपने बेटे को लक्ष्मण बनाए। राम राज्य तब बनेगा, कथा सुनने से राम राज्य बनने की संभावना कम होती है। कथा में भीड़ तो हमने बहुत देखी, कम भी देखी ज्यादा भी देखी। कथा सुनने का ये लाभ है कि उतनी देर हमें समय का सदुपयोग होता है, संसार के अनेक बुरी बातों से हम बचे रहते हैं, उतनी देर हमें सत्संग हो जाता है। क्योंकि तो राम कथा सुंदर करतारी संशय हम उड़ा निभाई, लेकिन सत्संग में कथा में जो बातें कही जाती हैं उसको कोई व्यक्ति अगर हृदय में धारण कर ले, सत्संग का गर्भाधान अगर हमारे अंदर हो जाए तो सत्संग का गर्भाधान संत को जन्म देता, और संत को जन्म देने का तात्पर्य ये मत समझ लीजिएगा कि जितने गेरुआ कपड़े वाले वस्त्र पहने हुए हैं वो संत हैं और बाकी लोग सब दूसरे जो हैं साधक हैं असंत। ये मेरा उद्देश्य ना है, ना कभी था ना कभी होगा। हम तो सबके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, उसका कारण क्या है? जितने श्रोता होते हैं रामचरितमानस में, जो कौवा कथा कह रहा है और हंस कथा सुन रहे हैं, काव्य गुजरनी कथा कहता है, ये रामचरितमानस की विशेषता है, ये राम कथा की विशेषता है कि राम कथा जहां पर होती है कौवे को ऊपर बैठा दिया जाता है और हंस लोग सामने बैठ करके कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये राम कथा की विशेषता है, किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जो इस जगह पर बैठेगा उसको काव्य गुजरनी का पद मिल जाएगा, उसको यहाँ भरत का पद मिल जाएगा, उसको शंकर जी का पद मिल जाएगा, उसको व्यास पीठ मिल जाएगी, काव्य गुजरनी बन जाएगा वो। उसका कारण क्या है? जब राम कथा होगी तो जो राम कथा में आपके अंदर बातें कही जाती हैं वर्तमान में कही जाती है वो बातें, और वर्तमान में जब कही जाती एक वाक्य भी अगर किसी ने पकड़ लिया एक वाक्य, तो जीवन में वो उसका उद्धार हो सकता है। कैसे हो सकता है उद्धार? बोले जो बातें सत्संग में कही जाती हैं वो आपको किसी भी मैनेजमेंट के कोर्स में बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? काव्य गुजरनी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपकी शिक्षा कितनी है, शिक्षा कितनी है? तो काव्य गुजरनी जी महाराज ने कहा, अंगूठा छाप कुछ नहीं पढ़ा। आप लोगों ने देखा होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। आजकल एक समाज जो है हमारा एक मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है। हम चाहते हैं इस बात को इसलिए कह दिया जाए कि अगर हो सके एक घर में भी मानसिक रोग हम ठीक कर लें तो अच्छी बात है। कौन सा मानसिक रोग हो गया है? हमारे बेटे के 98 और 100 आए हैं, हम इसको मानसिक रोग कह रहे हैं या हम लोग अपने बच्चों को मानसिक रोगी बना रहे हैं? 94 में मुंह सूख जाता है। अच्छा, मुंह सूखने का कारण मालूम क्या होता है? 94 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बगल वाले के 98 आ गए। अब इसकी वृत्ति से दूर होने के लिए सत्संग करना पड़ता है, मात्र इस ग्रंथि से मुक्त होने के लिए सत्संग की जरूरत है, बाकी तो ईश्वर अंश जीव अज्ञाति।
चेतन अमर सहज सुख राशि सब लोग ईश्वर के ही अंश हैं, उसमें हमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो हम आपको उपदेश दें, लेकिन नहीं, उसमें इसलिए विशेषता है कि अगर आपको कोई बात ऐसी मिली है और 98 और 100 बारों की हमने करते में पोल खोल दी, हमने कहा जितने 100% देने वाले नंबर वाले विद्यार्थी हैं और संसार के जितने बड़े से बड़े साहित्यकार हैं, जितने बड़े से बड़े अर्थशास्त्री हैं, जितने बड़े से बड़े महापुरुष हैं, कोई अपना सर्टिफिकेट लाके में दिखा दे उनको 100% नंबर मिलेगा, कोई 100% वाला नहीं है। और लोगों ने कितनी उन्नति की है, एक से एक बड़े साहित्यकार हुए, संत हुए, दिव्य हुए, लोगों ने उन्नति की है, पैसे कमाए हैं, व्यवस्था की है, संसार में सृजन किया है, उसका कारण क्या है। फिर हमने ये भी कहा कि जो 100% नंबर देने वाला है वो अपनी मार्कशीट दिखा दे, उसके 100 आए क्या? विचित्र बात है, आपके 100 आए नहीं पर आप हमें 100 देने वाले बन गए। पहले आपके 101 आए तो हमें 5 दिए, पहले अपनी मार्कशीट दिखाई, क्या आपकी मार्कशीट में क्या लिखा है। ध्यान रखिएगा 100% के चक्कर मत जाइए, 100% आ जाए तो भगवान की कृपा है, हमारा आशीर्वाद है, बहुत मंगल कामना का बच्चा ऐसा निकला जिसने 100% नंबर लिया है, लेकिन उसको टॉर्चर मत करिए, उसको दुखी मत करिए, उसके पीछे ये मत करिए बेटे चरण में नहीं तो सिर्फ मैं ढंग की आशा कर रहा था, ये कर रही थी, परिणाम क्या हो जाता है, 94 वाला बच्चा डिप्रेस अब वो 98 के चक्कर में दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाता है। हम दूसरे बच्चे से ईर्ष्या करना सिखा रहे हैं तो हम, लेकिन जो सुमित्रा जी हैं उन्होंने अपने बच्चे को जाते समय क्या कहा, बोले लक्ष्मण।